आज फिर एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जॉन डियर 5103, उसका हमें गियरबॉक्स का जॉब करना है। किस वजह से गियरबॉक्स का जॉब करना है मैं आपको खुल के दिखा दूँगा, उसके प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को दो पार्ट कर चुके हैं और उसका गियरबॉक्स भी हमने बाहर निकाल लेंगे। अभी गियरबॉक्स को बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये प्रॉब्लम हुआ, वो भी मैं आपको खुल के दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमने गियरबॉक्स बाहर निकल के उसके सारे पिनियन को खोल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं उसका शाफ्ट, मेन शाफ्ट यहाँ पे सीज हो चुका है और केबल कम होने की वजह से ही ये सीज हुआ है। और ये शाफ्ट को हम ग्राइंडर से फिनिशिंग कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे सीज हुआ था वो शाफ्ट हमने ग्राइंडर से फिनिशिंग कर ली और वो अच्छी तरह से भी फिनिशिंग हुआ है। आप देख सकते हैं अब हम उसको लगाएंगे। उस गियर को फिटिंग करने से पहले मैं आपको गियर का भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एक नंबर गियर है और ये दो नंबर जो सीज हुआ था और हमने उसको फिनिशिंग करके सही किया। और ये तीन नंबर और ये चार नंबर गियर है और ये दोनों शिफ्टर सेम है, एक जैसा है दोनों। और ये दोनों कलर है, वो कलर भी दोनों एक ही है, सेम है। और ये चार लॉक है, उसमें तीन पतला और एक मोटा सा। तो दोस्तों गियर के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हम अब गियर को फिटिंग करेंगे और हमने साफ़ सफाई भी करके एक ही जगह रख ली है। तो चलो गियर को फिटिंग करते हैं उसकी मेन शाफ्ट में। देख सकते हैं ये शाफ्ट में और ये है तीन नंबर, इसके अंदर दो बेयरिंग रहता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम तीन नंबर गियर को फिट करेंगे। थोड़ा सा टाइट लगता है बेयरिंग की वजह से, उसे थोड़ा सा ठपका मारना पड़ेगा नहीं तो अंदर नहीं घुसेगा। तो अब गियर तो बैठ चुका है और उसके बाद एक लॉक लगेगा जो कि हम लगाएंगे अभी। देख सकते हैं किस तरह से लॉक लगता है। तो दोस्तों हमने उस लॉक को लगा ली है, देख सकते हैं। और ये है उसका कलर, उस साइड नीचे की ओर रहेगा, वो हम बिठा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और फिर से यहाँ एक लॉक लगेगा जो लगा रहे हैं लॉक को। उसके बाद एक शिफ्टर लगेगा यहाँ पे। और ये है वो शिफ्टर। उसके बाद लगेगा चार नंबर गियर जो कि हमने बिठाई है, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद एक लॉक लगेगा मोटा सा, जो मैंने आपको बताया था एक मोटा सा लॉक रहता है। थोड़ा तकलीफ़ होता है बिठाने में, खुलने में तो और ज़्यादा तकलीफ़ होता है, जितना बिठाने से तकलीफ़ होता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ठोकना पड़ रहा है उसको बिठाने के लिए, मोटा रहता है ना थोड़ा सा, इसलिए तकलीफ़ होता है। तो लॉक को हमने बिठा ली है, अब फिटिंग करेंगे दूसरे साइड, वो भी मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दो नंबर पिनियन को फिट कर रहे हैं जहाँ पे सीज हुआ था। दो नंबर पिनियन जहाँ पे सीज हुआ था हमने उसको ग्राइंडर की मदद से फिनिशिंग कर ली है। अब दो नंबर पिनियन की जगह सीज हुआ था, दो नंबर पिनियन लगा के उसके बाद एक लॉक लगा रहे हैं जो पहले जैसे लगा रहा था उस तरफ दूसरी साइड। उसके बाद एक कलर लगेगा और ये वो कलर है, उस साइड जैसे लगा था इसी साइड भी ऐसे ही लगेगा, सेम ही लगेगा। और इस कलर के बाद एक लॉक लगेगा।
उस लॉक को भी हमने बिठा लिया है, आप देख रहे होंगे। इतना क्लियरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपकी समझ में ना आए तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक कॉलर लगेगा जो दूसरे साइड लगाया उस तरह, और फिर लगेगा यहाँ एक नंबर गियर जो हमने लगा ली है। उस एक नंबर पिनन के बाद लगेगा एक बेयरिंग जो हमने लगा रहे हैं, देख रहे होंगे थोड़ा सा टाइट है इसलिए ठोकना पड़ रहा है। तो मैं साहब में गया तो सब कुछ फिट हो चुका है, तो फिर से मैं आपको जानकारी दूंगा कि गियर के बारे में। तो देख सकते हैं हमने सब कुछ फिट कर लिया है, अब मैं आपको बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने चारों गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रख लेते हैं। ये है न्यूट्रल पोजीशन जो कि देख रहे हैं पिनियन घूम रहा है, और ये एक नंबर लग गया, उसके बाद न्यूट्रल, और ये दो नंबर, और फिर न्यूट्रल, एक दो न्यूट्रल हो गए, और ये लग गया तीन, और ये न्यूट्रल, और ये चार, और यहाँ हुआ न्यूट्रल, और तीन और चार भी न्यूट्रल हो चुका है, और ये उसका चार नंबर थोड़ा सा प्ले है, और यहाँ एक बेयरिंग लगेगा, बेयरिंग लगने के बाद ये प्ले गायब हो जाएगा। तो हम बाकी की सामान जो भी हमने खुले हुए हैं सबको साफ सफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सब कुछ साफ सफाई करके एक ही जगह रखे हुए हैं। अब हम उस गियर बॉक्स को इस एलुमिनियम प्लेट में बिठाएंगे। गियर को इस एलुमिनियम प्लेट में बिठाना कितना आसान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पहले भी मैंने इसका वीडियो एक दो बना के डाला हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम सारे गियर को एलुमिनियम प्लेट में बिठाएंगे, और किस तरह से बिठाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम यही था कि उसका तीन नंबर और चार नंबर गियर लग नहीं रहा था, क्योंकि लग नहीं रहा था ये पिनियन सीज हुआ था, इसीलिए उसका तीन नंबर और चार नंबर लग नहीं रहा था। और ये पिनियन सीज होने का मेन कारण यही है कि उसका गियरवेल बिल्कुल कम था, बिल्कुल थोड़ा सा ही था, मतलब 10 लीटर की 12 लीटर के बराबर था, इसीलिए ही ये पिनियन सीज हुआ। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने तीनों सांप को इस एलुमिनियम प्लेट में रख ली है, जिस सांप जहाँ जहाँ लगता है उसी के पास में हमने सबको रख ली है। अब हम तीनों सांप को बिठाएंगे, और तीनों सांप एक साथ ही बैठेगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं एक साथ ही बैठेगा तीनों सांप, और बेयरिंग टाइट है थोड़ा सा इसलिए हमें उसको ठपका मार के बिठाना पड़ेगा। देख सकते हैं हम उसको हैमर की मदद से ठपका दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस प्लेट में बिठा लिया है तीनों सांप को, और सारे की न्यूट्रल पोजीशन है, देख सकते हैं किस तरह से घूम रहा है बिल्कुल इजीली। अब हम उसका बॉल और स्प्रिंग को लगा देंगे, चार बॉल लगता है और चार स्प्रिंग, और दो बड़ा बॉल लगता है वो ऊपर में लगता है। उसका बॉल और स्प्रिंग को हमने बिठा लिया है, अब उसके बॉल स्प्रिंग को
दबा के रखने के लिए एक प्लेट लगता है, जो 13 नंबर 2 दो दो बोल्ट लगता है, दोनों साइड 4 बोल्ट टोटल लगता है। उस प्लेट को भी हम जल्दी से लगा लेते हैं और गाड़ी में गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं गियर बॉक्स फिटिंग करने से पहले ये बेयरिंग लगता है यहाँ पे, ये एक वाशर है मोटा सा, और ये उसका छल्ला बेयरिंग, और इसके ऊपर की और एक वाशर फिर से लगेगा जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ये, और इसके बाद एक स्प्रिंग वाला वाशर लगेगा, और इस तरह से रहेगा ये वाशर। और अब हम बेयरिंग को फिटिंग करेंगे टप्पिनम के अंदर, इस तरह से लगेगा टप्पिनम के अंदर में लगेगा, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं किस तरह से लगेगा ये बेयरिंग। तो अब हम गाड़ी में जल्दी से इस गियर बॉक्स को फिट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने गियर बॉक्स को फिट कर लिया है और उसका 13 नंबर बोल्ट भी टाइट कर लिया है। अब हम इसका जॉइंट को लगाएंगे, गियर बॉक्स जॉइंट को। अब देख सकते हैं हम किस तरह से जॉइंट को लगा रहे हैं। इस जॉइंट को लगाना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से जॉइंट लग जाता है, कोई भी तकलीफ नहीं होता लगाने में। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से जॉन लगा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से जॉइंट को लगा जाता है, और वो भी कितना आसानी से लगा जाता है। और जॉइंट भी हमने लगा ली है, और उसकी सारे राउंडिंग का बोल्ट को जल्दी से हम टाइट कर लेते हैं, और भी उसका पाइप वगैरह सब कुछ हमने जल्दी से लगा लेते हैं। और उसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा कि जो काम हमने किया है उसकी सफलता हमें मिली या नहीं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सब कुछ फिट कर लिया है, और उसका गियर भी हम चेक करेंगे और चेक कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो हम सारे गियर को पेचकस की मदद से चेक कर रहे हैं। अब यहाँ तो सही लग रहा है गियर, और सब कुछ फिट करने के बाद मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और गाड़ी को चला के भी मैं खुद चेक करूँगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सब कुछ फिट कर चुके हैं, और उसका गियर कवर को लगाना बाकी है, वो भी हम जल्दी से फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सब कुछ फिट कर लिया है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हमने, और उसका गियर को चेक कर रहे हैं, और खुद भी मैं चला के देख रहा हूँ। देख सकते हैं सारे गियर कितने आसानी से लग रहा है, जो कि पहले से 3 और 4 नंबर गियर नहीं लग रहा था, अब ये लग गया 3 नंबर, और फिर अब 4 नंबर लग गया। तो देख सकते हैं 4 नंबर भी लग गया। तो दोस्तों आपने तो देखा होगा इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, और इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।